खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के बगई डाट पुल पर तेज रफ्तार से आ रही दो बसें में आमने सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों बसों से खचाखच भरी सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग बचाव कार्य में लगे। गंभीर घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। बताया गया कि दिन में करीब 10 बजे गोरखपुर की तरफ से प्राइवेट बस आजमगढ़ जा रही थी, जबकि जौनपुर डिपो की रोडवेज बस आजमगढ़ से गोरखपुर जा रही थी। दोनों बसों की रफ्तार इस कदर तेज थी कि बगई डाट के पुल के पास सकरा रास्ता दोनों आपस में टकरा गई, जहां भरी हुई बस में लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बसों का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला और एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इस भीषण घटना को लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि प्रातः 10 बजे थाना जीरपुर क्षेत्र में एक रोडवेज बस और प्राइवेट बस टक्कर हुई, जिसमें लगभग 30 लोग घायल हैं। सभी का तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया गया है, जहां इलाज किया जा रहा है, जिसमें दो तीन लोग सीरियस हैं, उन्हें हायर सेंटर रेफर कर किया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से बताया गया कि अभी तक कोई मौत या कैजुअल्टी नहीं हुई है। क्या घटनाक्रम रहा? आज प्रातः लगभग 10 बजे थाना जीएनपुर क्षेत्र में बनकर चौटी के पास एक रोडवेज बस जौनपुर की थी, डिपो की, और एक प्राइवेट बस के बीच में टक्कर हुई है। उसमें लगभग 30 लोग घायल हैं। सभी का को वहाँ से तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ जो हमारा मंडलीय चिकित्सालय है वहाँ लाया गया है और यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। दो तीन लोग सीरियस हैं, उनको यहाँ पर प्राथमिक इलाज और स्टेबल करने के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। अभी कोई और इसमें कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। सर, और उनके साथ क्या की जा रही है इलाज के अलावा? अब इलाज के सर्वप्रथम सबसे पहले इलाज है, इलाज के उपरांत जो भी अनुमन्य सहायता है वो प्राप्त। सर, राहत व बचाव कार्य के लिए जिला अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्था की गई है? जिला अस्पताल में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों को पहले से बता दिया गया था, वो लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं। मेडिकल कॉलेज को भी अलर्ट किया गया है, वो भी तैयार हैं, और जो भी यहाँ पर इनको आवश्यकता है मेडिकल सपोर्ट की, वो सब दी जा रही है। मरने वालों की संख्या? नहीं, अभी कोई डेथ नहीं है। तीन लोग सीरियस हैं, पर वो भी बात कर रहे हैं, वो बात